हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे सभी लोग? आज मदर्स डे है तो हैप्पी मदर्स डे। इसके लिए कुछ लाइन, 100 बात की एक बात, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों की माताओं को प्रणाम। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, इकाई का अंक याद करना, यूनिट डिजिट। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए कुछ नियम है। तो नियम नंबर 1 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक हमेशा अंतिम संख्या होती है। इकाई अंक किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या लिखी है 1134 लिखा है, तो इसमें इकाई का अंक जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक इसमें क्या है? 4। तो 4 जो है इकाई का अंक होगा। हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें 4 इकाई होगा, 3 दाई होगा, 100 एक सैकड़ा के स्थान पर और दूसरा 1 हज़ार के स्थान पर है। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमेशा अंतिम संख्या होती है। अब इकाई अंक में टाइप 1 देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका, ये दिया गुणा में, गुणा में संख्या दी हुई है 27 × 28 × 24 × 26 में इकाई का अंक क्या होगा बताइए। अगर आपको मालूम हो तो क्या होगा, इसमें इकाई का अंक होगा 4। अब कैसे होगा इकाई का अंक 4? आपको इकाई का अंक पता करना है, आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा आप इकाई के अंकों में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 27 में 7 × 28 में 8 × 24 में 4 और × 26 में 6। तो इनका गुणा कहते हैं, 7 × 8 = 56। तो 56 में आपको 56 नहीं लेना है, सिर्फ 6 लेना है इकाई का अंक। फिर 6 का गुणा करेंगे आप 4 में, 6 × 24, तो 24 में आएगा आपका इकाई का अंक 4। 4 में करेंगे 6 का गुणा तो फिर आएगा 24। तो आपका जो आएगा 24, तो 24 में आपका 4 हो जाएगा इकाई का अंक। इस प्रकार से इस संख्या में आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसके बाद टाइप 2 देखते हैं। यदि संख्याओं प्लस हो, अभी जो हमने पहली संख्या पढ़ी उसमें था आपका गुणा, अब यदि संख्या में जोड़ दे दी जाए, प्लस दी जाए और कहेगी इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या लिखी हुई है 1672 + 608 + 673 + 682, तो क्या करेंगे, आपको पूरी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आप सब में इकाई के अंक ले लेंगे। तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 प्लस, इसमें इकाई का अंक 8 है तो 8 प्लस, इसमें इकाई का अंक 3 है तो 3 प्लस, 682 में इकाई का अंक 2 है तो 2 ले लेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 + 8 = 10 + 3 = 13 + 13 = 15। अब 15 संख्या आई आपकी, तो 15 में आपका इकाई का अंक क्या है? 5। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5। इसका उत्तर हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए, अब यदि गुणा है तो उसके गुणा के इकाई के अंक जो होंगे उनका गुणा करते जाएंगे और लास्ट में जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब यदि जोड़ में दिया है तो उनके इकाई के अंकों को जोड़ लेंगे और जो इकाई का अंक लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक ही इकाई का अंक उत्तर होगा। अब देखते हैं तीसरे प्रकार का टाइप 3। टाइप 3 में आपका क्या है? टाइप 3 जो घात वाले प्रश्न होते हैं, जो टेट में हर साल 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं टेट में। आपको बेसिक से टॉप तक बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आती है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, ताकि उनको भी समझ में आ सके। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, पहले साधारण संख्या आपको बताई, फिर उसमें गुणा बताया, फिर जोड़ वाली संख्या बताई, अब यदि घात वाली संख्या हो तो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका नियम नंबर 1 देखते हैं, शॉर्ट ट्रैक से देखते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट। तो शॉर्ट ट्रैक क्या है इसमें, कि यदि इकाई के आधार का अंक, यदि आधार का, यदि कोई संख्या है और उस संख्या आधार किसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लो लिखी है 72 लिखी है, 72/2 इस प्रकार से, तो इसमें जो आपका 72 ये आधार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और जो इस पर पावर चढ़ी है घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर, और ऊपर जो संख्या में जो, इसको हिंदी में कहते हैं घात या घातांक, घात का अंक। तो इसमें घात हो जाएगी आपकी 2 और आधार हो जाएगा 72, ये आपका आधार और घातांक कहलाता है। तो नियम है, यदि आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात चाहे जितनी भी हो उसमें इकाई का अंक हमेशा क्रमानुसार 0, 1, 5, 6 ही होगा। कैसे देखते हैं, जैसे लिखा है 5/2, 5/2 हमने क्या कहा, यदि आधार का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसका उत्तर क्रमानुसार वही होगा। और देखते हैं इसमें आपका इकाई का अंक 5 है, तो अब इसमें गुणा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसका वर्ग घन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इकाई का तुरंत उत्तर आपका 5 ही हो जाएगा। बड़ी संख्या देखते हैं कोई, जैसे लिखा है 620, इसकी घात लिखी है 80। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी संख्या, कैसे निकाले इसमें इकाई का अंक, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपने देखा इकाई का अंक इसमें क्या है, आधार का इकाई का अंक है जो संख्या वो 0 है, तो 0 है तो इसका इकाई का अंक भी 0 ही होगा,
बस यही ये नियम बता रहा है कि यदि आधार इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात चाहे जितनी हो लेकिन इकाई का अंक हमेशा क्रमानुसार वही होगा। मान लो एक संख्या और लेते हैं 636, 636 में आपकी घात है 32, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक आपका कितना है 6, तो आपका इकाई का अंक जब संख्या में 6 है तो इसका उत्तर भी इकाई का अंक 6 ही होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है और नियम अगर यदि आपको याद है तो सीधे उत्तर मानना है, इसमें आपका 6 होगा। अगला नियम देखते हैं, इसमें आपका यदि इकाई अंक 9 हो, कोई संख्या है और जिसे लिखिए 729, 729 में आपका इकाई का अंक घात कोई भी चढ़ी हो, एक घात इसमें आपकी चढ़ी है 17, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक 9 है और घात, और यदि घात सम की हो, जैसे 17 आपको सम विषम अभाज्य, ये आपको सब पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में जिनको नहीं समझ में आ रहा हो सम विषम तो पिछले वीडियो में देख लो, उसको गारंटी मेरी उसको समझ में आ जाएगा। तो 17 आपकी विषम संख्या है, तो यदि इकाई का अंक 9 हो और घात विषम की हो तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर हमेशा 9 ही आएगा, क्या आएगा 9। और यदि घात सम की हो, 17 की जगह आपकी घात जैसे 729 में आपकी घात 16 हो तो ये आपकी सम संख्या है 16, तो और इकाई का अंक 9 हो घात सम हो तो इकाई का अंक फिर क्या होगा आपका 1 होगा। तो नियम आपको यही लिखा है, देखिए ध्यान से, यदि घात विषम हो तो उत्तर हमेशा 9 ही आएगा, यानी इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा, और यदि घात सम की हो तो उत्तर में इकाई का अंक 1 आएगा। अगला नियम देखते हैं, यदि संख्या में इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है और घात विषम की हो तो इकाई अंक भी 4 आएगा। जैसे देखते हैं, अब 454 लेते हैं उदाहरण के तौर पे, 454 पे घात आपकी 52 है, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें आपके इकाई का अंक 4 है, अब देखिए घात सम की विषम तो 52 आपकी सम संख्या है, तो हमने कहा कि यदि घात सम की हो, घात सम की हो तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, इकाई का अंक आपका 6 आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, इकाई का अंक आएगा आपका 6, यदि घात सम की है तो इकाई का अंक 6 और यदि घात विषम की है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। अब 454 संख्या है और इसमें आपकी घात आपकी 12 चढ़ी है, 12 की घात है, ये सम है तो इसका इकाई का अंक आपका हो जाएगा 6। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आँख बंद करके आपको जहाँ 6 लिखाओ उस विकल्प में आपको टिक लगा देना, और यदि घात विषम की है, यहीं 452 में आपका घात 17 कर दिया मान लो, ये हो गया 17, तो अब आपको देखना है 454 में घात 17 और इकाई का अंक आपका 4 है, घात विषम की है तो इकाई का अंक आपका 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला नियम, सभी नियमों का बाप गणित की किसी भी संख्या के लिए, ये तो आपकी थी शॉर्ट ट्रिक। अब आपका जो होता है मेथड होता है आपका वास्तविक में, जो अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाएं तो आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं, देखते हैं कैसे। अगर किसी भी संख्या की घात चाहे जो भी हो उसमें सबसे पहले 4 का भाग देते हैं, सबसे पहले 4 का भाग देते हैं, कोई भी संख्या है उसमें घात लगी हुई है तो उस घात में 4 का भाग देंगे, 4 के भाग देने के बाद उसमें कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। अगर उसमें एक शेष बचता है, एक शेष बचता है तो जैसे एक शेष बचा तो इकाई का अंक जो होगा उसमें वो एक की घात लगा देंगे, जैसे एक शेष बचा और इकाई का अंक 4 है तो उसमें आप घात एक की लगा के अब इकाई का अंक निकाल लेंगे। अभी आपको उदाहरण देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आपकी संख्या है 510 और घात है आपकी 13, ठीक। अब ये आपकी 510 आधार है, घात है 13, तो 13 में आप देंगे 4 का भाग, 13 में देंगे 4 का भाग, जब 4 का भाग देंगे तो 4 दिया 12, 12 13 में से एक 12 जाएगा तो एक बचेगा आपका शेष। आप भाग देखिए, देखिए एक बचेगा शेष, जो आपको एक शेष बचा तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि 0 पे घात 1 लगा देंगे, और किसी भी संख्या पे घात 1 होगी तो उसका मान वही आता है। एक और लेते हैं 729, 729 में आपकी घात है 14, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि 14 में आप देंगे 4 का भाग, 4 का भाग देने के बाद आपका इसमें बचेगा 2 शेष, 3 बार भाग जाएगा 2 शेष बचेगा। अब जो 2 शेष बचा और अब देखते हैं इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक 729 में 9 है तो 9 में आप 2 की घात लगा देंगे और निकाल लेंगे कैसे, 9 में आप लगाएंगे 2 की घात,
नौ में, क्योंकि शेष दो बचा था और इकाई अंक नौ था, तो नौ में आपने दो की घात लगाया तो नौ का मान, नौ का घात दो बराबर हो जाएगा इक्यासी, यानी नौ बड़ा नौ इक्यासी, नौ नम्मा इक्यासी, इक्यासी में आप इकाई अंक क्या है एक, तो इकाई का अंक जो हो जाएगा आपका एक, तो वही है आपका। अब जैसे ये है 484 पे घात एक, ये आपकी घात का लगा हुआ है 484 पे घात 121 में इकाई का अंक क्या होगा, तो अब आंसर होगा चार। कैसे 484 है आपका, देखिए ये है आपका 484, इस पे घात है 121। अब 121 में आप चार का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, आप भाग देकर देख लीजिए। अब जो एक शेष बचा और इकाई का अंक इसमें चार है, तो चार में आप एक घात लगा देंगे, चार पे घात एक का मान चार ही होगा, तो इसका उत्तर में इकाई का अंक चार ही होगा। यदि शेष जीरो है, मान लो ये लिखी है कोई संख्या लिखी है 512 और इसमें घात चढ़ी है आपकी 12 की, अब 12 में आप चार का भाग देंगे, 12 में आप चार का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी जीरो शेष बचेगा। तो आपको फिर क्या करना है कि जो इकाई का अंक है उस संख्या का, इसमें इकाई का अंक है दो, तो दो में आप चार की घात लगाएंगे, कितनी घात लगाएंगे चार, और दो का गुणा चार बार करेंगे, दो का गुणा चार बार यानी कि दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, तो दो दूनी चार, चार दुनिया चार दूनी सोलह, इसका मान आया सोलह, और सोलह में इकाई का अंक क्या है छः, तो फिर इसका इकाई का अंक हो जाएगा छः। तो अगर शेष एक बचता है तो इकाई के अंक में घात एक लगा देंगे, अगर शेष दो बचता है तो इकाई के अंक में घात दो लगा देंगे, अगर शेष तीन बचता है तो इकाई के अंक में तीन लगा देंगे घात और उसका उत्तर निकालेंगे, और यदि शेष जीरो बचता है तो फिर इकाई के अंक में हम घात चार की लगा के इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ आपको एक सवाल मिलता है, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। 123 57 गुणा 5753 गुणा 9393 में इकाई का अंक क्या होगा बताइए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, अगली वीडियो में आपको इकाई अंक से संबंधित पिछले सालों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपको और समझ में आ जाएगा। अभी ये आप नोटबुक लेके बैठिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।